Hello student, welcome back my channel. In this video we will do lesson 1 from your computer book class 3rd and the chapter name is a computer system. So let's begin. In this chapter we knew about a computer system. What is a computer system? Computer is a useful machine. It is used in almost every sphere of life. We can play game, write letter, draw picture, listen to music, store information, solve mathematical problems, etc. on a computer. It can draw very fast or do many jobs at the same time. तो बच्चों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम का क्या मीनिंग होता है? कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो कि हमारी लाइफ का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और आप उस पर क्या कर सकते हो? गेम प्ले कर सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, अपनी डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट। अब सबसे पहले कंप्यूटर को पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास वी लर्न द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फील्ड। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर का कहाँ यूज़ करते हैं हम। ऑफिस, हॉस्पिटल, स्पेस रिसर्च, डिज़ाइनिंग, डिफेंस, एयरपोर्ट, एनिमेटेड मूवीज़, बैंक, इन सभी प्लेसेस पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें हार्डवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर? The physical part of computer that we can touch, feel is called hardware. कंप्यूटर का ऐसा फिज़िकल पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, उसको आप बोलेंगे हार्डवेयर। जैसे आपके हाथ में कॉपी है, उसको आप टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। कोई भी आपके हाथ में चीज़ है, एनीथिंग, कोई कपड़ा, कोई पेन, कोई बुक, कोई बेडशीट, कोई भी चीज़ आप जिसको आप हैंड में अपने ले सकते हो, इट्स कॉल्ड अ हार्डवेयर। उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलेंगे अपन हार्डवेयर। एज वी ऑलरेडी नो अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बॉडी डिफरेंट पार्ट। आप जानते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी आर विजिबल वेयर एज द पार्ट ऑफ ब्रेन, लंग, हार्ट। जो कंप्यूटर के आउटर पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट जो कि हमें दिखाई नहीं देते, जैसे विजिबल होते हैं जो कि मतलब छुपे हुए हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट। इनसाइड वी कैन नॉट बी सिमिलर, ये सब अंदर होते हैं, इनको आप देख नहीं सकते। इसी तरह इन कंप्यूटर वी कैन सी ओनली दोज पार्ट ऑफ हार्डवेयर दैट इज़ आउटसाइड मॉनिटर। और जो कंप्यूटर के बाहर के पार्ट होते हैं जिनको आप देख सकते हो, वो होते हैं हार्डवेयर, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, एक्सेट्रा। कम ऑन नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। दे अटैच टू द CPU बाय केबल। ये मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब किससे अटैच होते हैं? CPU से, केबल के द्वारा। सम पार्ट ऑफ हार्डवेयर इनसाइड द CPU। और कुछ हार्डवेयर के पार्ट ऐसे होते हैं जो कि CPU के अंदर होते हैं। वी कैन सी दैम वैन वी द बॉडी ऑफ अ CPU बॉक्स। हम उनको कहाँ देख सकते हैं? CPU की बॉडी के अंदर, जैसे हार्ड डिस्क, CPU चिप, ये सब चीज़ें अपन, ये सब जो हार्डवेयर है इनको कहाँ देख सकते हैं हम? CPU बॉक्स के अंदर। तो ये सब हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अ कंप्यूटर हैज़ फॉलोइंग मेन 4 पार्ट। IPO, IPO का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले 4 पार्ट में मॉनिटर। मॉनिटर लुक लाइक अ टीवी, टीवी की जैसे दिखाई देता है। इट डिस्प्ले द वर्क वी डू ऑन अ कंप्यूटर। जो भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो वो उसको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आप माउस पॉइंटर जहाँ भी घुमा रहे हो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। मॉनिटर इज़ ऑल्सो नॉन एज वीडियो। इसको वीडियो यू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन अ मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो मॉनिटर पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। 3 टाइप ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप ऑफ। अब 3 टाइप ऑफ कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर कंटेन अ वैक्यूम ट्यूब एंड बिगर इन साइज, कंज्यूम मेन मोर पावर। ये साइज़ में बड़े होते हैं और इनमें वैक्यूम ट्यूब लगी हुई होती है और ये बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते हैं, मतलब इनको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। फिर इसके बाद आता है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD मॉनिटर एज अ फ्लैट शेप। ये देखिए जैसे आजकल आप LCD देख रहे हैं, ये फ्लैट शेप की इसकी स्क्रीन होती है। कंज्यूम लेस पावर। इससे यानी कि CRT से कम यूज़ करता है पावर को कौन सा वाला मॉनिटर? LCD। अब उसके बाद आता है LED। LED का पूरा नेम लाइट इमिटिंग डायोड monitor. These monitor have better display. These are the thinner, higher in weight. ये और भी ज़्यादा पतले होते हैं और वेट में भी हल्के होते हैं। LED monitor use 40% less power. LED monitor use 40% less power than LCD. मतलब LCD से ये 40% कम पावर यूज़ करते हैं। कौन से? LED। मतलब सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होती है CRT को, उससे कम पावर चाहिए होती है LCD को। एंड डाउन नाउ देन वी यूज़ LED को सबसे कम पावर चाहिए होती है यानी कि 40% पावर चाहिए होती है। दीज ऑलमोस्ट यूज कॉमनली यूज, आजकल इन्हीं को यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम पार्ट कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के। CPU इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है। दैट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन टू द गिव कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो इसके अंदर प्रोसेस किए जाते हैं। इट विल सॉल्व ऑल कैलकुलेशन, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। ये सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करके और जो हमें रिज़ल्ट है मॉनिटर पे शो कर देता है। Also lot of information. CPU is a made of 3 part. इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन से? MU, CU और ALU। अब इनके बारे में जानेंगे हम। MU यानी कि मेमोरी यूनिट। दिस इज़ यूनिट वी कैन स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन विच आर टू बी प्रोसेस देन पास ऑन द ALU और CU। ये भी क्या होता है कि ये जो भी वी कैन, इसमें क्या कर सकते हैं हम? अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो भी आपका ALU यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट से जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है प्रोसेस होके उसको मेमोरी यूनिट के अंदर आप स्टोर करके रख सकते हो अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को। अब नेक्स्ट आता है हमारा CU। CU इज़ द कंट्रोल यूनिट वर्क लाइफ और ट्रैफिक पुलिसमैन। इट कंट्रोल द मैनेजर टू वर्किंग ऑल द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सारे वर्क को कंट्रोल करता है लाइक एज ट्रैफिक पुलिस। ALU क्या करता है? सभी मैथमेटिकल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सभी मैथमेटिकल जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा, और इसके अलावा जैसे आपका लेस दैन, इक्वल, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, सारे मैथमेटिकल आपके जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करता है। नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे हम कीबोर्ड। कीबोर्ड में 104 यानी कि 104 कीज़ होती है। ये सब होती है हमारी फंक्शंस की, ये सब होती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़, और यहाँ वो स्पेशल की, ये स्पेस बार, यहाँ न्यूमेरिक कीज़, और ये नेविगेशंस की, और इसके अलावा सिम्बॉलिक कीज़। अब हम ये देखिए, ये नीचे हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ये टाइपिंग की यानी कि अल्फ़ाबेटिकल कीज़, ये सभी येलो। फिर ये नेविगेशंस की, ये कंट्रोल की, ये न्यूमेरिक की, और ये फंक्शंस की। ठीक है, ये सभी कीज़ होती हैं। अब आगे देखते हैं टाइपिंग की, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल की, न्यूमेरिक की और पंक्चुएशन की, सिम्बॉलिक कीज़, इन सब से स्पेस बार जैसे स्पेस बार, कैप्स लॉक, शिफ्ट, टैब बटन, ये सभी बटन्स होते हैं हमारे टाइपिंग कीज़ होती हैं। फिर कंट्रोल की, जैसे कंट्रोल, ऑल्ट और एस्केप, ये सभी क्या है कंट्रोल करते हैं हमारे जो भी ऑपरेशंस हम कर रहे हैं उनका यूज़ करने में ये हमारे काम आते हैं। फंक्शंस की, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है इनको। F1 से लेकर F12 तक कीज़ होती हैं ये फंक्शंस की, जो कि अलग अलग प्रोग्राम के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिक। में 0 to 9 तक और उसके अलावा अर्थमेटिकल ऑपरेशन, डेसिमल पॉइंट, ये सभी जो कैलकुलेटर में आप जितने भी ऑपरेशंस करते हो वो सभी हम न्यूमेरिक कीपैड से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब आती है लास्ट हमारी नेविगेशन की। में क्या होता है, इसमें एक तो होम एरो, होम बटन, होम से पेज के बिगिनिंग में मूव लाइन, पेज जहाँ पे आपका पेज स्टार्ट हो रहा है सबसे फर्स्ट लाइन पे आ जाएगा, एंड से आप सबसे लास्ट पे आ जाएगा आपका कर्सर। पेज अब से पेज ऊपर वाले, जैसे आपने 10 पेज की कोई फाइल बनाई है तो नंबर 1 वाले फाइल पे आ जाएगा, पेज डाउन से नंबर 10 पे आ जाएगा, ठीक है। और डिलीट से जो जैसे आपने आपका कर्सर इधर है सी के बाद है, ठीक है, तो आपका डिलीट की दबाओगे तो ये यू जो है इरेज हो जाएगा, मतलब डी जो है, मतलब डिलीट बटन जो होता है वो नेक्स्ट बटन को, नेक्स्ट कैरेक्टर को, टेक्स्ट को इरेज कर देता है। इंसर्ट, से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं इंसर्ट मोड, ये सब प्रोग्रामिंग में यूज़ आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम माउस। क्या होता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एक इसका इसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, और बीच में ट्रैक बॉल होती है जो कि जिसको हम ऊपर नीचे करके हम स्क्रॉल को अप डाउन कर सकते हैं, तो ये माउस होता है, ठीक है। आजकल तो बैटरी वाले भी आ गए, ये तो केबल वाला है, बैटरी वाले भी आ गए जिसमें हमें वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टच स्क्रीन। और जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, एटीएम, आजकल इन सब चीज़ों में हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। स्कैनर, से आप कोई भी अपना जो टेक्स्ट है, पिक्चर है, उसको स्कैन कर सकते हो, जैसे पेटीएम में स्कैनिंग अपन यूज़ करते हैं स्कैनर से, वो सब क्या है स्कैनिंग है। नेक्स्ट पेज प्रिंटर। से आप कोई भी पेज अपना प्रिंट करके निकाल सकते हो, उसकी हार्ड कॉपी, आपने अपना डेटा इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे तैयार कर लिया, अब उसका आपको प्रिंट चाहिए, प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट निकल आएगा। प्लोटर, एक थोड़ी अलग हमारा वो होता है, इसमें ऑब्जेक्ट हार्डवेयर। प्लोटर इज़ नॉन एज अ प्रिंटर ऑफ अ कंप्यूटर, ये एक तरह का कंप्यूटर, इसमें क्या बहुत बड़े पेपर को क्या किया जाता है, कलर्ड पेन से लिखा जाता है, ठीक है, बहुत बड़े पेपर में कलर पेन से लिखा जाता है, लेकिन क्या इसकी स्पीड इतनी स्लो होती है कि इसको कम यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीकर। में आप गाने सुन सकते हैं, मूवीज़ सुन सकते हैं, अपना गेम खेल रहे हैं उसका साउंड सुन सकते हो। लाइट पेन, का यूज़ किया जाता है स्पेशल पैड के ऊपर, इसका एक अलग स्पेशल पैड होता है, जो भी आप इस पर लिखोगे वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। नेक्स्ट जॉयस्टिक, गेम खेलने के काम में आती है। पेन ड्राइव में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, आज मैंने कोई मूवी देखी, मुझे 2 दिन बाद दिल्ली जाना है, मेरी आधी रह गई थी, मैं अपनी पेन ड्राइव में डाल के वहाँ दिल्ली में भी देख सकती हूँ। अब आता है हार्ड डिस्क। क्या करता है, हमारा डेटा स्टोर करके रखती है। हार्ड डिस्क एक तरह से कंप्यूटर का बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ में ली जाती है। CD, आपने मूवीज़ की CD होती है, गेम की CD होती है, राउंड शेप की होती है, शाइन करती है, तो इसको बोलते हैं अपन CD। ये है हमारा CD, ये पेन ड्राइव, ये हार्ड डिस्क। नेक्स्ट पेज। अब बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर। अभी तक हमने पढ़ाए थे हार्डवेयर। 4 कौन कौन से पढ़े हमने, एक तो मॉनिटर, और दूसरा माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, ये सब हो गए टच स्क्रीन, अदर हार्डवेयर डिवाइस, ये दूसरे वाले आ गए है ना। माउस हो गया, एक तो माउस पढ़ा हमने, कीबोर्ड पढ़ा और मॉनिटर और सीपीयू, ये चार हमने मेन पढ़े। इनके अंदर बाकी के और आते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर का पार्ट होता है, लेकिन इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप देख सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हो या गेम खेल रहे हो, तो उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर भी 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसको ऑपरेट करने में उसकी हेल्प करते हैं। आपने जैसे MS ऑफिस चलाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो भी आपका कंप्यूटर में आप इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको मिल रहा है, तो वो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेकिंग अ कंप्यूटर रन, इससे क्या होता है कंप्यूटर रन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS पेंट। अब बात करेंगे वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। भाई मुझे गेम खेलना है, मुझे मूवी देखनी है, मुझे सॉन्ग चलाना है, मुझे या मैथमेटिकल वर्क करना है, मुझे लेटर टाइप करना है, कोई ड्राइंग बनानी है, तो हम वो चीज़ उस पर करते हैं कीबोर्ड की हेल्प और माउस की हेल्प से। फिर वो CPU बॉक्स के अंदर आपका प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो हम लोग इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद ये CPU बॉक्स के अंदर जाता है और वहाँ पर क्या होता है, ये हो गया हमारा CPU बॉक्स और यहाँ पर होता है ये प्रोसेस। फिर प्रोसेस हो जाने के बाद ये हमें रिज़ल्ट देता है, कहाँ पर, आउटपुट। उसके बाद ये हमें रिज़ल्ट देता है और रिज़ल्ट कहाँ देता है हमें, मॉनिटर स्क्रीन पर। और ये हम इनपुट किसके थ्रू करते हैं, एक तो कीबोर्ड और दूसरा माउस, इन दो के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर वो CPU बॉक्स के अंदर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट हमें मिलता है मॉनिटर स्क्रीन पर। तो ये 3 प्रोसेस किए जाते हैं कोई भी वर्क कंप्यूटर पे करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 90 + 85 + 69 + 98 + 76 + 84 किया, ठीक है, CPU बॉक्स के अंदर ये प्रोसेस होगा और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से जैसे आपको टी बनानी है तो आप क्या लोगे, मिल्क, शुगर, वाटर, टी और टी लीव्स, मिल्क, वाटर, ये सब चीज़ें लोगे। फिर ये बॉयल होगा और फिर बेक हो जाएगा, आउटपुट टी। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आएगा फ्लिंजिंग लिंक्स, अ CPU प्रोसेस डैश एंड डैश, क्या लिखेंगे इसमें हम, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। नंबर 1 डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। नंबर 2 अ डैश इज़ यूज टू पॉइंट सेलेक्ट एंड मूव एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्यूटर स्क्रीन, माउस। नेक्स्ट हो गया आपका माउस। उसके बाद दी डैश कंसिस्ट ऑफ नंबर की अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड द डेसिमल पॉइंट, न्यूमेरिक कीपैड। नंबर 3 न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट नंबर 4 डैश डिस्प्ले एट द वर्क वी डू ऑन द कंप्यूटर, मॉनिटर। नंबर 4 में लिखेंगे मॉनिटर। नेक्स्ट डैश की इज़ यूज टू मूविंग थ्रू द डॉक्यूमेंट, नेविगेशन। नंबर 5 नेविगेशन। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच ऑन अ हार्डवेयर, दिस इज़ लास्ट 6 हार्डवेयर। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अब हम। ट्रू फॉल्स, अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट Yes. MU स्टैंड फॉर मेमोरी यूटिलिटी. नो. मेमोरी यूनिट होता है वो. अ CPU इज़ मेड अप ऑफ AU and LU. No. The information that we see on the monitor known as a soft copy. Yes. Function keys are placed on the right side of the keyboard. No. A printer is an output device. Yes. Next, application based question. Mary is reading the soft copy of letter. Which part of a computer that we using? Monitor. Supriya want to the painting on a computer. Which computer will you suggest her to use to making a colorful drawing? Which software? इसमें हम लिखेंगे MS Word. उसको ड्राइंग बनानी है ना. MS Paint. सॉरी, इसमें आप लिखोगे, ये नहीं लिखेंगे फ्लोटर, इसमें लिखेंगे हम MS Paint. नेक्स्ट, सौरभ मदर आस्क हिम टू 50 कॉपीज ऑन अ बर्थडे इन्विटेशन लेटर. विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिंटर. कबीर वांट टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग ऑन द मूवी माइक्रोफोन. Which device can we use? Microphone. Next, multiple choice. A computer display output after processing data. The LED monitor consumes least power. And control key either used alone, combination keys perform certain action. Now, what is a computer? इसका आंसर लिखेंगे हम पेज नंबर 6 पर. देखेंगे पेज नंबर 6 है हमारा ये, यहाँ इसमें लिखेंगे हम ये यहाँ से. कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन. इट इज़ यूज ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. वी कैन प्ले गेम, राइट, ड्रॉ पिक्चर, लिसन म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, सॉल्व मैथ ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एज अ सेम टाइम. ये हो गया आपका आंसर नंबर 1. अब देखेंगे हम आंसर नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाट डू यू कॉल द इंफॉर्मेशन दैट यू एंटर इनटू अ कंप्यूटर. द इंफॉर्मेशन दैट यू एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा. नेम द डिवाइस दैट इज नॉन एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. The device that is known as the brain of a computer is called CPU. How many type of key are there on a keyboard? Name them. There are. इसमें आप आंसर लिखोगे. There are 5 type of keys on the keyboards. Number 1 typing key. Number 2 control key. Number 3 function key. Number 4 numeric key. And number 5 या numeric symbol key. And number 5 navigation key. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉफ्टवेयर. इसका आंसर हम लिखेंगे ये रहा फर्स्ट लाइन ऊपर. सॉफ्टवेयर दैट इज पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन नॉट टच टू मेक हार्डवेयर वर्क. वी नीड टू हैव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन इट. अब ये देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन. अ डिवाइस इज यूज टू टाइप नंबर लेटर यूज्ड कीबोर्ड. ये हमें आंसर दिया हुआ है. इंफॉर्मेशन वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट. द यूनिट दैट इज स्टोर द इंफॉर्मेशन मेमोरी यूनिट. पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस एट वेल एज इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन अ CPU. इनको बताती हूँ इसका आंसर. पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन. इंफॉर्मेशन वी सी ऑन द मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी. फिर इसके बाद क्वेश्चन पीछे हैं आपके. अ डिवाइस दैट हेल्प टू यूज मूव आइटम ऑन द वाइल स्क्रीन. प्लेइंग गेम जॉयस्टिक, ये आपका ऊपर पर जॉयस्टिक। इसके बाद है अ डिवाइस यूज टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट इसके बाद है A device that can read words, picture, number, paper, store them on a scanner. Next, a device used to hear sound, music, speaker. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।